रुक्मिणी ने कई साधु महात्माओं से जो उनके घर आते थे उनसे श्री कृष्ण की मुकुंद भगवान की सौंदर्य की कथा सुनी। तो सुंदर बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णियो कर्णिकारम बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णियो कर्णिकारम बिभ्रद्वासो कणक कपिशम वैजयंतीम च मालम रंध्रण वेणो अधर सुदया पूरयन गोप वृंदय वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्रवृषत गीत कीर्ति। बरहा पीड़म भगवान श्री कृष्ण के सर पे सुंदर बरहा मोर पंख का मुकुट है, बरहा पीड़म और नटवर वपु एक्टरों से भी अति सुंदर लावण्य युक्त तेज मान उनका वपु शरीर बाजूबंद सुंदर बाजूबंद हाथ में बाजूबंद है। कर्णियों कर्णिकारम कर्णिका कर्णिकार का सुंदर कुंडल लसत कुंडलम गोकुले तो इसे सुंदर कुंडल उनके कानों में लसत कर रहे हैं। बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णियो कर्णिकारम बिभ्रद्वासो कणक कपिशम उनके सुंदर पीतांबर चलक रहा है। कर्णियो कर्णिकारम और वैजयंती माला गले में है, पांच प्रकार के सुंदर फूल से बनाई हुई घुटनों तक की माला पहने हुए हैं। नटवर वपु कर्णियो कर्णिकारम बिभ्रत वासो कनक कपिशम वैजयंतीम च मालम रंध्रण वेणु अधर सुदया और वेणु बजा रहे हैं और सुंदर गीत गा रहे हैं प्रावृषत गीत और ग्वाल मित्र उनके गुणों की गाथा गा रहे हैं। और ऐसी छवि वृंदावन में प्रवेश कर रही है तो गोपियाँ जरूखे पर से उनका सुंदर दर्शन कर रही हैं और एक श्लोक गा रही हैं। तो ऐसा भगवान श्री कृष्ण का सौंदर्य